तेरे आने से हो याने बाहर दिल नची जावे धक धक के। आइए आइए आ जाइए जी, आ जाए आ जाए आ जाए। शहंशाह शहंशाह जाओ अपने माहिर साहब को बुलाओ, उनके फ्रेंड्स आए हैं। जाओ 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 जाओ। आ जी आप लोग बैठे, तशरीफ रखिए आराम से। अभी तो माहिर जागेंगे, अपने ब्रांडेड कपड़े निकालेंगे, इस्त्री करवाएंगे, पहनेंगे और फिर तशरीफ लाएंगे। वैसे आप लोग तो उनके दोस्त हैं, तो आप लोग उन्हें समझाते क्यों नहीं है? भाई दोस्त के लिए तो दोस्त अजीज होता है, उसके ब्रांडेड कपड़े तो नहीं। आप बात बिल्कुल ठीक कर रही हैं। हाय गाइस, यार तुम लोग आए हुए थे, मुझे पहले बताते, जल्दी आ जाता। कैसा यार, हमने सोचा हम तुम्हें सरप्राइज दे दें, लेकिन तुम तैयार ऐसे हुए हुए कि शायद कहीं जा रहे हो। अरे ये तो स्वैग है मेरा, मैं घर में भी इसी तरह रहता हूँ, स्टाइल में। तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? मेहमान आया, इनके लिए चाय वगैरह का बंदोबस्त कर। ठीक है, ये लड़की कौन है? रिलेटिव? रिलेटिव? अरे मुलाजमा है मेरी, घर में काम करती है। मेरी रिलेटिव और ये? अभी इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे। अरे मेरा रिलेटिव होने के लिए इंसान में क्लास होनी चाहिए, उसका कुछ स्टैंडर्ड होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम फूफो। हेलो रानिया, कैसी है तू? अच्छी नहीं हूँ। हैं? क्यों होया? सब ठीक है ना? मैं वापस आ रही हूँ। तुम लोग बात करो, मैं आता हूँ। ये तू क्या कह रही है? मैंने कहा कि मैं वापस आ रही हूँ। माफ करना, अब ये फिर से जाके शिकायत कर देगी, सारी मुझे पड़ेगी। इसे मनाओ, इसको कि मनाने की जरूरत क्या, ऐसे ही रहे, टूटता नहीं हूँ इससे। मगर हुआ क्या है? तुझे किसी ने कुछ कहा है? अम्मा जी ने तो नहीं डांटा? अम्मा जी क्यों डांटेंगी, वो तो मियाँ जी की तरह बहुत अच्छी हैं, मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। तो फिर हमाद पाइन ने गुस्सा किया तेरे पर? हमाद चाचू तो अपने छोटे छोटे बच्चों को नहीं डांटते, मुझे क्या डांटेंगे। तो फिर हुआ क्या है? अम्मा जी ने तो तुझे अपने घर ठहराने के लिए अपनी खुशी से हामी भरी थी ना। देख रानिया, तू वहां पर कोई वक्त गुजारने के लिए थोड़ी गई है, तेरे सामने तो इतना बड़ा मकसद है, तुझे तो अपने ख्वाबों को हकीकत का रंग देना है ना। मियाँ जी का सर फख्र से बुलंद करना है, और अगर तू वापस आ गई तो तेरी तालीम अधूरी रह जानी है। देख रानिया, मियाँ जी के ऊपर अगर तेरी फीस के साथ साथ हॉस्टल का खर्चा भी पड़ गया ना, तो वो नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। अगर कोई छोटी मोटी परेशानी है तो सह ले ना, अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए बर्दाश्त कर ले। देख ऐसा ना हो कि फिर तुझे बाद में पछताना पड़े। थैंक यू पप्पो, आपने बिल्कुल सही मशवरा दिया है, इन फजूल लोगों की बातों में आना ही नहीं चाहिए। मैं जिस मकसद से यहाँ आई थी, मुझे अपनी पूरी तवज्जो उसी पर देनी चाहिए। मैं यही करूंगी। शाबाश, ऐ हुई ना गल, अब तू बस ध्यान सिर्फ अपना सारा का सारा अपनी तालीम पे लगा, ठीक है? और हाँ पप्पो, मियाँ जी और अम्मी को ना बताइएगा, फजूल में परेशान हो जाएंगे। हाँ हाँ, तू फिक्र ना कर, ठीक है? खुदा हाफिज। हाफिज। उसने अगर मुझे मुलाजिम कहा तो मुझे इतना गुस्सा क्यों आया? क्या यहाँ रहकर मेरी सोच भी बदलने लगी है? मेरे मियाँ जी तो कहते हैं सब इंसान बराबर है, अमीरी और गरीबी बाइज्जत कहलाने का पैमाना नहीं। फिर मैं किसी की फजूल बात को क्यों दिल पर ले रही हूँ? सॉरी मियाँ जी, मैं आपकी दी हुई तालीम भूलने लगी थी।
मगर अब ऐसी गलती नहीं करूंगी। चलो जी वज़ीर-ए-आज़म मोहतरमा रानिया, आप कहीं नहीं जा रही, पहले यहाँ एडमिशन लेंगी फिर दिल लगा कर पढ़ेंगी। आपको अपने मियाँ जी का ख्वाब पूरा करना है। वाह 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 भाई वाह भाई, भांजे भांजे मुबारक हो, आज खाना मैंने बनाया। भाई बेचारी बाजी ऑफिस जाती हैं, थकी हारी आती हैं, फिर आके किचन में चली जाती, तो मैंने सोचा कि आज ये एहसान मैं उनपे कर दूं। ओ भाई तो खाना बनाना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। मुझे अंदाजा है, पर ऐसे खाने को खाना मुश्किल है। अब एक रिक्वेस्ट है आपसे यार, मुझे खाने की टेबल पे ना मत बुलाइएगा, उससे झूठी तारीफ नहीं होती यार। ये तो तुम खुल्लम खुल्ला मामू के खाने की तौहीन कर रहे हो। हाँ मुझे एक मिनट के लिए अकेला छोड़ देंगे? तंग मत करें यार, मैं पहले ही बहुत डिस्टर्ब हूँ। या अल्लाह खैर, इस कदर बेयकीनी सिचुएशन, अपने 4 साल बड़े मामू से अपनी टेंशन शेयर नहीं करोगे? अबे क्या हो गया भाई? मामू ये हमारी जो पड़ोस में एक अम्मा जी है ना, हाँ? मैं बता नहीं सकता आपको यार, वो कितनी संगदिल और कितनी प्राउड ही है। ओहो अबे तो भाई हुआ करे, हमें क्या। लेकिन मुझे है ना, मैं उनके घर गया था और मेरा अंदाजा है कि मैं उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। बेटा समझ नहीं आ रही कि किस लहजे में मैं तुमसे बात करूं। कि माना कि तुम ऐवें से हो, सही ना, इस शक्ल के लोग होते हैं, इसमें गुजारा करना सीखो, अकड़ना नहीं सीखो। तुम अकड़े हो और वहां जाके एहसास कमतरी का शिकार हो गए, कंफर्म हो गए तुम। अरे बात एहसास कमतरी की नहीं, आप समझ नहीं रहे यार, मतलब ये सब कुछ मेरी फैमिली की वजह से हुआ यार। मैं वहां गया हूं तो मुझे अपनी फैमिली बैकग्राउंड का ही नहीं पता, हम लोग करते क्या है क्या नहीं है, शजरा क्या है हमारा, को पता नहीं सकता। कितनी बेइज्जती हुई, आप क्या करते हैं बताएं? आपके क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया था ना। भाड़ में क्या क्रिप्टो यार, सारा का सारा कसूर आप दोनों का और किसी का नहीं। जो जलने की बुआ रही लगता, हांडी जल गई, अगर ज्यादा जल गई ना तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, बता रहा हूँ मैं तुम्हें, सही है? क्या बनेगा यार? ठीक है समन, चेहरा क्यों उतरा हुआ तेरा है, हर वेले परेशान लग रही है। अम्मा जी मुझे लगता है बाबू रफीक चचा ना हमारी बात नहीं मानेंगे, उनके लिए बहू नहीं जायदाद इम्पोर्टेंट है, प्रॉपर्टी क्या चंद लाख भी मेरे नाम नहीं करेंगे वो लोग। तो बस ठीक है फिर, समन को भी वापस जाने की कोई जरूरत नहीं है दादी। हा? मेरी बहन मेरे लिए इतनी बेकदरी नहीं है, और मुझे लगता है दादी कि उन लोगों ने ना मुझे कुछ ज्यादा ही हल्का ले लिया, अपना असल रंग दिखाने का वक्त आ गया, देखता हूँ मैं। हाय अल्लाह। अम्मा जी, अम्मा जी। हाँ पुत्र। अम्मा जी कौन से आ गई? अम्मा जी मुझे आपसे एक बात करनी है। अला, बोल पुत्री की कहना है? अब ये जरूर जाने की बात करेगी और एक ही 4 लगाकर अम्मा जी को अपने वापस जाने की वजह बताएगी। वो मैं बताता हूँ दादी, असल में ये वापस जाना चाहती हैं अपने घर, और बहाना ये बनाएंगी कि मैंने इन्हें इज्जत नहीं, मतलब मैंने इन्हें एहतराम नहीं दिया, अहमियत नहीं दी, जबकि असल वजह कुछ और है दादी। ये अपने पेरेंट्स के फोर्स करने की वजह से यहाँ पे आई थी। अरे ये पढ़ाई लिखाई और एडवांस स्टडीज करना इनके बस की बात थोड़ी है, अब थक हार के वापस जाना चाह रही हैं। तो जाओ भाई, किसने रोका है? ये क्या हो गया इन्हें, कैसी बातें कर रहे हैं, पता नहीं क्या कहानियां सुना रहे, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। मैं तो आपसे ये पूछने आई थी कि खाने में क्या बनवाऊं आज, और इनको देखे पता नहीं क्या नाम शाम बोल रहे हैं, मुझे तो लगता है इनका वाकई में दिमाग हिल गया है। मखौल कर रहे हैं, इसी तरह कर दे, तन पता है ना पूरा अपने दादे ते गया है। जी अच्छा दास की पूछना सी? खाने का पूछ रही थी क्या बनाऊं आज। ओ जो तेरा दिल चाहता है बता दे, बस बघारे चाओ जरूर हो। ठीक है अभी शहनशाह आ जाना तो उसे बता दे। हाल हाल चंग। स्टॉप तो कर लेने दो, कोई एटिकेट्स होते हैं, कोई मैनर्स होते हैं, मेरी गेम। तुम स्टॉप हो जाओ, लेक्चर ना दो मुझे, मेरी बात सुनो। देखने में तो रानिया और महीर के बीच में कोई मसला नहीं है, लेकिन हर वक्त एक दूसरे को बातें सुनाते रहते हैं, बेशक झगड़े के थ्रू लेकिन एंगेज रहते हैं एक दूसरे के साथ, है नोक जोक चलती रहती है इनकी। तो चलने दो,
अब मैं क्या रेफरी बन के उनके बीच में बीच बचाव कराऊं? तुम रेफरी नहीं बन सकते हमाद जी, उसमें ना हाथ पांव हिलाने पड़ते हैं, तुमने इतनी मेहनत कहाँ से करनी है? मेरी बात सुनो, वैसे ये लड़ना झगड़ना कोई अच्छी अलामत नहीं है, किसी और तरफ इशारा कर रही है। क्या मतलब? पहले झगड़े, फिर छोटी मोटी लड़ाइयां, उसके बाद मोहब्बत। मैंने तो फिल्मों और ड्रामों में यही देखा है, और अगर महीर और रानिया के बीच मोहब्बत हो गई तो मेरी मोना का क्या होगा? तुम बचपन में सीढ़ियों से तो नहीं गिरी थी? नहीं, क्यों? क्योंकि सीढ़ियों से गिर के बंदे का दिमाग खराब हो जाता है, मैंने भी फिल्मों में देखा है। फोन दे दो मेरा वापस। खुद बनाओ अपनी गुड़ वाली चाय, मेरे लिए बनाओ। हाँ बाजी, ये धनिया डाल दिया, अब अच्छे से मिक्स करो इसे। हाँ बाजी, मिक्स कर दिया, अब इसकी जान छोड़ दो, जाओ जाकर चावल लेकर आओ। अम्मा जी ने कहा कि रात के खाने में चावल भी बनेंगे, इसको मैं देख लेती हूँ, जाओ। अच्छा, लाता हूँ। फोन पर तो बड़े मैसेजेस दे रही थी कि मेरा दाना पानी यहां से खत्म हो गया है, मैं वापस आ रही हूं, गई क्यों नहीं? आपसे मतलब? अच्छी तरह जानता हूं मैं। अरे ऐशो आराम, सारी ऐसाइशें छोड़कर तुम अपने उस कच्चे इलाके वाले गांव में जाओगी, हो ही नहीं सकता। ये सब तुम्हारी अटेंशन सीकिंग टैक्टिक्स हैं, पता है मुझे सब कुछ। बहुत ही गलत सोच। असल बात तो ये है कि मेरे ना अजायम पहाड़ों से ज्यादा मजबूत है, और मैंने ख्वाब इसलिए नहीं देखे कि आंखें खोलूं और टूट जाए। मैंने अपने ख्वाबों की ताबीर पूरी करनी है, और इसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं खुद को मजबूत करूं और हर एरे गहरे नथु कहरे की बातों को इग्नोर करूं। ऐसा क्या हुआ रानिया? क्या हुआ? कहां चल गया? अरे बात है यार, ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है। आप मुंह तो बंद करें, जाके कोई दवाई लेकर आए, इसके हाथ में आग लग गई है। कोई आग नहीं लगी, लेकर आती हूँ, हल्का फुल्का जला है। हाँ मुझे दिखाओ, पानी डालते हैं, पानी डाल के ट्राई करते हैं, दर्द हो रहा था, पानी भी नहीं आ रहा। कहाँ गई चोट? कहाँ है तुम्हारी? ये लो। मुझे क्यों दे रही है, लगाए ना इसको। मुझे लगा जिस तरह हालात चल रहे हैं तुम खुद लगाना चाहोगे। अरे मैं क्यों लगाऊंगा, मैं तो कंपाउंडर थोड़ी हूं। हाथ दिखाओ, कहां लगी है चोट, तो नजर ही नहीं आ रही। अंधे हो क्या? अरे कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसे ही ड्रामे लगाए हुए। मैं क्यों ड्रामे लगाऊंगी, नजर ही नहीं आ रही मेरी चोट, अंधे को। बातों में इतने मगन हो गए ना कि नजर ही नहीं आया होगा। किधर है, कोई निशान ही नहीं है। बड़े लाडों से पाला है घर वालों ने, हैं? वरना ये छोटी मोटी तो जख्मे होती रहती हैं। छोटी मोटी नहीं है, आपको लगी होती ना तो पता चलता। आपकी चाय। ओ भाई भाई भाई, भाई। क्या कर रहे हैं, खुदकुशी करने लगे थे क्या? हां तो स्विमिंग पूल में कूद के खुदकुशी करूंगा मैं, नहर है ये। ले पुत्र। ये क्या पुत्र? ये घर के कागजात है। तो आप मुझे क्यों दे रहे हैं? ये मकान मैंने सम्मन के नाम कर दिया है, अब तू ये कागजात आपा जी को दिखा के सम्मन को ले आ। हरगिज नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा, इनकी ये शर्त कभी भी नहीं मानूंगा मैं। अब रिश्ते प्यार और खुलूस की बुनियाद पे कायम होते, लालच की बुनियाद पे ना जो रिश्ते कायम होते वो रिश्ते नहीं होते। और अगर समन को हमारे प्यार और खुलूस की परवाह नहीं है तो फिर रहे महके में। उत्तर जिद नहीं करते, जो मामला सुलझ सकता है उसे सुलझा लेते। तू देख तो रहा है
उसके जाने के बाद ये घर घर नहीं रहा, ना ही हम तीनों बो रहे हैं, एक दूसरे से मुंह छुपाए बेजार खामोश कोने खुदरों में पड़े रहते, खास करके तू, तुझे देखकर मुझे मौसम में सरमा में बिल में सुस्त पड़े जहरीले सांप का ख्याल आता है, जिसका ये भी दिल नहीं चाहता कि वो किसी को डस ले, उसके आने से तेरे अंदर भी जान पड़ जाएगी। वैसे अब्बा आप किसी उदास बुलबुल की मिसाल नहीं दे सकते थे? बेटा बुलबुल बुरा मान जाता। अब्बा असल बात तो बीच में रह गई ना। कोई बीच में नहीं रही, ये उसके प्यार का इम्तिहान है, अगर उसे मुझसे सच्ची मोहब्बत है तो वो बगैर कोई शर्त मनवाए इस घर में वापस आएगी, आखिर सांप की भी कोई इज्जत है। अब्बा मुझे लगता है आपकी बात का बुरा मन आ गया भाई जान। नहीं पुत्र, जिद पे आ गया। देखा जाए तो बात इतनी गलत भी नहीं है, लेकिन जब दो लोगों के दरमियान ठन जाए ना तो किसी एक को तो झुकना पड़ता है, वरना रिश्ते खत्म होते देर नहीं लगती। इसका मतलब है मुझे कुछ करना पड़ेगा। ये नहीं, वो दूसरी होमियो वाली ट्यूब लेकर आना, वो बड़ी अच्छी है जलन के लिए। अब होमियो मैं दे के आती हूँ। नहीं भाई नहीं, ये शहरी ट्यूबों ने काम नहीं करना अम्मा जी। मुझे लगता है मुझे बड़ी शदीद नजर लग गई है, जलन बढ़ती जा रही है। बस कर दो अपना ये ड्रामा, फजूल में छुई मुई बनने की एक्टिंग कर रही हो, कुछ भी नहीं हुआ तुम्हें। दादी पहले ना मैं भी घबरा गया था, फिर मैंने खुद चेक किया, अरे निशान तक नहीं आया है किसको। कैसी बातें कर रहा है, कहना भी गल है। मेरी बच्ची बिला वजह बैंड नहीं डाल दी, मेरा ख्याल है कि कुछ चोटें ऐसी होती जो बाहर से नजर नहीं आती है, तो डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। इंज कर तू गड्डी काट ते लेके जा। क्या? अरे दादी डॉक्टर को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, इतनी सी चोट लगी है इसको। अरे बच्ची भी तो मेरी फुल्ला वर्गी है ना, देख तू इसको डॉक्टर को लेके जा, ते फिर दवा लेने के बाद खिला पिला थोड़ा जहा, वो लाहौर दे दही पले नाले पेड़े वाली लस्सी पुआ, खिलाने पिलाने के बाद ना इसनूं सैर भी करा थोड़ी जी, जब से आई इधर घर में ही बेचारी बंद रही है, तू लेके जा जरा सैर करा। पेड़े वाली लस्सी? आहो दही पल्ले। हो अरे दादी इससे पहले डॉक्टर मुझे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर लेगा, बेइज्जती होगी मेरी। हाय पूरी जलन बाजू में फैल गई अम्मा जी, बड़ी दर्द हो रही है, हाय मैं मर गई। और होमियो वाली ट्यूब भी नहीं है। आए अब तो जाना पड़ेगा, जल्द ना गाड़ी निकाल लेके जाए इसे। हाँ चलो चलो, कहीं दर्द के मारे फौत ही ना हो जाना। हाँ, चलो चलो। देखा देखा दादी आपने, देखा सही है ये कुछ ड्रामे। मैं भी बच गई। अच्छा करा रहे। मोरी है तुम? चलो चलो। व्हीलचेयर मंगवा लूँ तुम्हारे लिए। खुड़ी को इस तरह से पकड़ के कहाँ लेकर जा रहा है? रानिया का इतना ज्यादा हाल जल गया था, मेरी भाई डॉक्टर के पास लेके गए। इतना कितना निक्की जी साठ थी, आपकी होमियो की ट्यूब भी लगाई थी, फिर क्यों डॉक्टर के लेकर जा रहा है? मैंने भेजा है, फोन बोल। माने तो गुस्से में क्यों? जल कुकड़ी ना हो तो। मैं उनसे होमियो ट्यूब लेके रख लेती हूँ। डॉक्टर साहब। हाँ मैं बात करती हूँ। कैसे हो माहिर? ठीक हूँ डॉक्टर, आई एम गुड। ये मेरी कजन है रानिया, इसका हाथ जल गया है, चेक कर लें जरा। जो हाथ जला है वो दिखाए ना। यही हाथ है, बहुत दर्द हो रही है डॉक्टर। अरे शहजादियों वाला लाइफ स्टाइल है डॉक्टर साहिबा, घर वालों ने इसको हाथ का छाला बना के रखा है, कभी इससे कोई काम ही नहीं करवाया। आप देखे मैग्नीफाइंग ग्लास से ढूंढे, क्या पता कोई छोटा मोटा जख्म कहीं पे मिल जाए। देखे वैसे जिसके इतने नाज रख रहे उठाने वाले हो ना, वो तो नखरे दिखाएगी। तजुर्बा है डॉक्टर साहब, बड़ा तजुर्बा। आपको तो पता है मैं तो उड़ती हुई चिड़िया के पर भी गिन लेती हूँ। ठीक है देख लिया तो अब हम चले। अरे इससे ज्यादा तो उसके चेहरे पे दर्द नजर आ रहा है, क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल। चलो जी थैंक यू डॉक्टर। अरे रुके तो सही, इनको खास क्या, आम सी भी चोट नहीं लगी है, मुझे लगता है ये डर गई है। इन्हें जूस वूस पिलाएं, पाए वाए खिलाएं ताकि ये थोड़ी जान तो पकड़े, इन्हें घुमाएं फिराएं ताकि ये फ्रेश हो जाएं। थैंक यू डॉक्टर, आप तो बहुत अच्छी हैं। थैंक यू। ठीक है थैंक यू। ये लें। थैंक यू। चलो ना। हाँ हाँ चलिए चलिए तो। बहुत कुछ खाना पीना भी तो है। बिल्कुल ओके थैंक यू। लाफिज लाफिज। इनक
को देख के तो कॉलेज के दिन याद आ गए। मेरे पीछे भी सारा कॉलेज ऐसे ही पड़ा रहता था। मेरे भी। कितनी रौनक है। मुझे तो लगता है इस शहर में रवाज ही नहीं है घर बैठने का। ऐसा लग रहा है पूरा शहर बाहर ही निकला है। ठीक है ठीक है, जूस पीना है, जल्दी से जूस पियो ताकि तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है। चलो। नहीं नहीं, मैं सिर्फ जूस नहीं पीऊंगी। सुना नहीं था डॉक्टर ने क्या कहा था? मुझे बहुत गहरी चोट लगी है, मुझे खुश रखना चाहिए आपको। आपको पता है गोलगप्पे खाने से ना मेरा खास तौर पे दिमाग जगह पे आ जाता है। कहाँ फंसा दिया यार? इसमें फंसने वाली कौन सी बात है? मैंने कौन सा चांद से कुछ लाने को कह दिया? रेस्टोरेंट आया है बस ऑर्डर करने, पैसे देने। आपने कौन सा खुद कुछ बनाना है? अच्छा ठीक है ठीक है, कर लेना ऑर्डर। अब चलो ऊपर चले। क्या हो गया? आराम से बैठ क्यों नहीं जाती? कहाँ रह गए? हम बता तो था, हम माने जाएं डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के जाते हैं किसी वजह से? ये तो चिल प्रोग्राम चल रहा है। सुनो इसकी गल, डॉक्टर के पास कोई चिल करने के लिए जाता है? बताया तो था मैंने कि मैंने भेजा है। इतना टाइम हो गया है, देर नहीं हो गई? देर हो गई तो तुझे क्यों तकलीफ है? क्या आपने निकम्मे शौहर के साथ जाके बैठ? आप तो ऐसे जता रही हैं जैसे निकम्मा कामचोर काहिल शौहर में मैं कैसे लेकर आई थी यहाँ। अरे मामी, इतना गुस्सा, इतनी टेंशन, आपको पता है गुस्से और टेंशन से ना झुर्रियां पड़ जाती हैं मुंह पे। मुझे तो कोई टेंशन नहीं, कोई गुस्सा नहीं है। मैं तो बोर हो रही थी ना, तो सोचा सब जमा होंगे तो शुगल मेला मना लिया ना। शुगल जा अपने बच्चों को होमवर्क करा जाके। ओके अम्मा जी। कमाल दी औरत है भाई, उसे फिकर पड़ी हुई है महीर और रानिया की, उसमें दुबली हुई जा रही गम में, उसके पास और कुछ नहीं। पहले ही मेरी मूंगफलियां कम थी, आधी तो जली हुई है इसमें। बहुत ही मजा आया। काश बेबू अम्मी यहाँ होती। बेबू अम्मी को ना गोलगप्पे बहुत पसंद है। हाय, हमें राह बिल्कुल ले आना चाहिए था साथ, वो आती तो कितना मजा आता है ना। बहुत ही मजे गया। आप भी खा लें। ऐसे ना देखें, पता चले कि घर जाके मेरे पेट पे दर्द हो रही है। ओ हेलो हेलो हेलो, मैंने खाने को कहा है, ये नहीं कहा कि मेरी प्लेट से खाएं, अपने लिए मंगवा लें अगर खाना है तो। खाना शेयर नहीं करती मैं। मैं कौन सा खा रहा था? और वैसे भी मैं ये ऊटपटांग चीजें नहीं खाता। और जरा तरीके से खाओ, थोड़ी तमीज के साथ। सारे लोग हमारे टेबल की तरफ देख रहे हैं। अगर किसी जान पहचान वाले ने देख लिया ना तो क्या सोचेगा मेरे बारे में कि मैं किस जंगली के साथ बैठकर खाना खा रहा हूँ। अच्छा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? कह दीजिएगा कि मुलाजिम की कजन है। मुलाजिम की कजन? और मैं अपने मुलाजिम की कजन के साथ यहाँ बैठ के खाना खा रहा हूँ? बड़ी मुश्किलों से बनाई है मैंने अपनी रिस्पेक्ट। खुदा के वास्ते यार प्लीज, कोई फायदा नहीं, तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं। मिर्चे एक सेकंड, एक सेकंड। ज्यादा मिर्चे लग रही हैं तो दो तीन टैंक मंगवा दूं पानी के, पी लेना बैठ के। बस ये वाला एक और मंगवा लें। बेटे नाश्ता तो ठीक से कर लिया कर, कौन सी फौजें लगी हुई हैं तेरे पीछे? अरे दादी ठीक है ना, बस यूनिवर्सिटी जाना है, लेट रहा हूँ, कर लूंगा बाद में। चलो हो गया मेरा। प्लेट साफ करके जा। ओके बाय 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 राबिस। क्या हो गया? नाश्ता करो वरना चपेड़े खाकर जाओगे स्कूल, समझ आई है? मम्मा माहिर भाई भी तो नाश्ता किए बिना चले गए, उनको तो किसी ने कुछ नहीं कहा। इसलिए क्योंकि बचपन में किसी ने रोका नहीं, तब अगर दो दो हाथ पड़ गए होते ना, मैं देखती हूँ किस तरह नाश्ता खत्म ना करके जाते। ये तो आपने बिल्कुल सही बात की है चाची। मैं तो हमेशा सही बात करती हूँ, माने तो।
खैर मेरी छोड़ो, मुझे बताओ महीर के साथ एंजॉय किया क्या क्या किया, क्या क्या खाया, कहाँ कहाँ गए? हाय बड़ा कुछ खाया, दही भल्ले खाए, पेड़ वाली लस्सी भी पी, बड़े मजे किए। आप लोगों को भी पीनी चाहिए, गोलगप्पे भी खाए हमने तो। राबेल तुम्हें चलना चाहिए था, बड़ा याद किया मैंने तुम्हें, बहुत मजा आया था। मेरा बच्चा जेड़ा है ना इतना ख्याल रखने वाला है, किसी को बोर नहीं होने देता वो। किसकी बात कर रही है? महीर और कौन है, इतना हसमुख है। अच्छा पता नहीं, शायद शीशे में देखे खुद को हंसते होंगे। वैसे तो हर वक्त ही सड़ियल रहते। चलो खत्म करो ना नाश्ता, इतनी देर क्या कर रहे हो तुसी, स्कूल नहीं जाना बच्चियां ने? ये बेमानी है, कोई चीटिंग नहीं कर रही। बेमानी है? नहीं कोई चीटिंग नहीं कर रही। अयाज तुम्हें इस जरूरी काम से फुर्सत मिल जाए तो मेरी बात भी सुन लो। बाजी सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ। मेरी कुलीग है नाजिया। क्या बेवा हो गई या शौहर ने तलाक दे दी? अरे तुम्हारे मुंह में खाक, मेरी पूरी बात तो सुन लिया करो। बोले अरे उसकी बड़ी बहन है, उसकी शौहर के साथ नहीं बनी, 3 साल पहले अलहदगी हो गई। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मैं सोच रही हूँ तुम्हारी बात चलाऊं। पूछ बाजी, बिस्मिल्लाह करें। हाँ लेकिन मैं क्या कहूँ, यही कि मेरे भाई ये छोटी मोटी जॉब्स को शान के खिलाफ समझता है और बड़े बिजनेस करने के मंसूबे बना रहा है। जेब में धेला नहीं है, प्लान सारे अधूरे रह जाते हैं। मैं क्या खुशखबरी देने चाह रहा था, मैं बताना चाह रहा था कि मैं जॉब ढूंढने का सोच रहा हूँ। जी हाँ, शुक्र है तुमने भी कोई ढंग की सोच सोची। तो बाजी मैं आज ही जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, कुछ मल्टीनेशनल्स हैं मेरे दिमाग में। बाय द वे आप वो शादी की बात कीजिए ना। बस दुआ करो कि वो लोग मान जाए, तुम्हें देखकर इनकार ना कर दे। मुझमें ऐसी क्या कमी? अकल की कमी। अच्छा बाबा वैसे आज शाम को आप क्या कर रही हैं? जरा पड़ोसियों का चक्कर लगा लेते। वो भला क्यों? अरे आप तो गुस्सा कर गई, मैं तो ऐसे ही कह रहा था, मतलब पड़ोसियों के भी हकूक होते हैं ना, जरा मेल मिलाप रखना चाहिए। हा? तुम लोगों की तरह फालतू टाइम नहीं है मेरे पास, समझे? अम्मा जी कब से बुला रही हैं तुम, इधर बैठे हो। पहले मेरी बात सुन, मैं जो कह रहा हूँ ये शर्ट ले और प्रेस करके लेकर आ, फटाफट फटाफट। मुझे तो मैं कर देती, तुम जाओ। उठो उठो उठो। अरे क्या कह रहे, तुझे मैंने काम बोला, तू वापस करो मेरी शर्ट। तुम्हें पता कितनी महंगी है, तुम्हें तो कोई काम ढंग से करना आता है नहीं। मेरी अगर शर्ट जल गई ना तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, वापस करो। वैसे प्रेस तो मैं बहुत अच्छे से कर लेती हूँ, मर्जी है नहीं तो नासी खुद ही कर ले। खुद ही कर ले? घर में इतने सारे मुलाजिम है, उनको तनख्वाह किस बात देता हूँ मैं? हेलो ये शौकियां किसको दिखा रहे हैं आप? मेरी बात सुने, बाप की कमाई पे अकड़ाना ना बड़ा आसान है भाई। बात तो तब है जब बंदे में खुद भी कोई दम हो। वैसे भी मैंने तो सुना है कि विलायत में अब्बा जी के साथ एक नकचरी सी अम्मी जी भी रहती हैं। अगर तो अम्मी जी ने किसी दिन अब्बा जी को पैसे भेजने से मना कर दिया, फिर क्या बनेगा आपका? डिफेंस में ना? जानती हूँ जानती हूँ, बड़ी प्रॉपर्टी श्रॉपर्टी भी है, लेकिन वो भी तो आपके अब्बा जी के पैसों की है ना? आपका क्या है? भाई कोई हमें भी सिखा दे फजूल में इतराना। पता नहीं लोग काम का कैसे इतरा लेते हैं। ये भी वैसे एक टैलेंट है, सीखना पड़ेगा। इतराने के लिए ना इंसान में कोई खूबी होनी चाहिए, तुम अगर इतराओगी तो लोग तुम्हें पागल समझेंगे। अच्छा आप में क्या खूबी है? खूबी? अरे खूबियां हैं खूबियां, जाके मेरी यूनिवर्सिटी की गर्ल से पूछो, लड़कियां मरती हैं मुझ पर। लड़कियां नहीं बकरियां होंगी वो। तुझसे बात करना नहीं, टाइम वेस्ट करने के बता। मुझे वैसे शक्ल वक्ल तो ठीक है, दिल का भी अच्छा है, मरती होंगी लड़कियां, लेकिन जिसका गरूर है ना ये मुझे सच कहने से रोकता है। नहीं हमारे घर पे ना सब कुछ मौजूद होता है, इसलिए किसी के घर जाके कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप तो भेगो भेगो के मार रही है, मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि आप हमारे घर कब आएंगे, मेरी मामा से मिलने, मेरी बहन से मिलने। बोलो तुम कब आओगे? वाह भाई वाह, एकदम से आप कहते कहते तुम पे आ गए। क्यों तुम्हें अच्छा नहीं लगा? ससुर बताना। अम्मा जी को मेरा सलाम दे। पागल हो गए,
अम्मा जी को सलाम दूंगी तो 100 सवाल करेंगी, कौन है, कहाँ मिला, क्या क्या बात हुई, इतने सारे सवालों का जवाब कैसे दूंगी मैं? ओह, तो इसका मतलब है कि सलामी देने के लिए घर खुद आना पड़ेगा? हाँ शायद। चलो ठीक है, इस बहाने फिर से मुलाकात हो जाएगी। ये बैठे बिठाए तुझे क्या सूझी है? अरे दादी, बैठे बिठाए आए या खड़े होके, बात तो सही है ना, आप खुद सोचें, वहां उनकी दूसरी बेगम ऐश कर रही है और यहाँ अब्बा हमें चंद डॉलर्स भेजते और अपनी सारी जिम्मेदारियों से अपनी जान छुड़ा लेते हैं। दादी अब बस बहुत हो गया, अब ऐसा नहीं होगा, आप अब्बा से बात करें और उनसे कहें कि डॉलर्स की रकम बढ़ाएं और ये जितनी भी प्रॉपर्टी है ना सब मेरे नाम करें। ओ पुत्र, तू अपने अब्बे का इकलौता पुत्र है, सब कुछ ही तेरा ही है। एवी खाम खा इनका, और वो जो बेचारी दूसरी माँ है उसका कोई हक नहीं है। नहीं भाई, ये तो बड़ी ज्यादती हो जाएगी अम्मा जी। अब्बा मेरे, प्रॉपर्टी हमारी, तुम बीच में टांग अड़ाने वाली कौन होती हो? मैं कौन होती हूँ? मैं इंसाफ की अलम बरदार, और मैं उस मासूम औरत के साथ ज्यादती नहीं होने दूंगी अम्मा जी। ऐसे लालची बेटे, तौबा है, ऐसे बेटों को ना जायदाद देते नहीं है, जायदाद से आग करते हैं। और डरो उस वक्त से जब मैंने सारे जालिमों को ना कठहरे में खड़ा करना है। दादी मैं आपसे इतनी अहम बात कर रहा हूँ, ये खत्म हो चुकी है वो बात, मैं बता चुकी हूँ, मैं उस मजलूम औरत के साथ जुल्म नहीं होने दूंगी, उसका प्रॉपर्टी में पूरा पूरा हक है। दादी चुप करवा ले यहाँ पे से, मैं कह रहा हूँ चुप करवा ले यहाँ पे से, जाओ यहाँ से, दिमाग खराब नहीं करो, जाओ। अच्छा ये लो फिर। दादी हम अपने घर की बात प्राइवेट में करेंगे। कहीं बैठे बिठाए क्या जिद पकड़ ली इसने, हैं? परेशान कर दिया मुझे, यानी किसने इसके दिमाग में खन्नास भर दिया? ये ले, क्या हुआ, क्या सोच रही हैं? अरबाब भाई से बात नहीं हुई? राबेल, अरबाब ने तो मुझे कॉल भी नहीं की। हाँ क्यों? शायद खफा होंगे। यकीनन खफा ही होंगे, जरा सी प्रॉपर्टी में हिस्सा क्या मांग लिया, मुझसे बात ही नहीं कर रहे, इतना गुस्सा हो गया। तो फिर आप छोड़ देना ये जिद। ये जिद ना अब मर के भी नहीं छूटेगी, असलियत पता लग गई मुझे उनकी, उन्हें सिर्फ अपनी दौलत से मोहब्बत है, मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं उनके सामने। लो अगर उनकी असलियत पता चल गई है, सब कुछ सामने आ गया, तो फिर क्यों सोच सोच के हलकान कर रही है खुद को, दफा करें। मैं चाहती हूँ दास रहना, उन्हें याद करना, लेकिन जब मुझे ख्याल आता है ना कि उन्हें सिर्फ अपनी दौलत से मोहब्बत है, मेरा कोई ख्याल नहीं है, रह रह के ना दिल दुखता है मेरा, बहुत उदास हो जाती हूँ मैं, बहुत बुरा लगता है मुझे। उदास तो ना हुए, इधर आए, मेरा भी रख दो कप, इधर आए, इधर आए, इधर आए, इधर आए, मेरे पास, मेरी प्यारी सी आप भी। अच्छी राइटिंग करो, इतना गंदा गंदा लिख रहे हो, मार पड़ेगी। चलो ये इसको इतना से लिखना है, समझ आई? वाह वाह, बड़ी पढ़ाइयां शढ़ाइयां हो रही हैं, गुड। चलो भागो, वहां पे लिखो ये। तुम दोनों ने फर्स्ट आना है, मेरी बात सुन लो। रानिया मैं सोच रही थी, हर वक्त मियाँ जी का जिक्र करती हो, तुम अपने वालिद का जिक्र नहीं करती है, क्यों? मैं बड़ी छोटी थी ना जब बाबा की डेथ हो गई थी। कितनी छोटी? पता नहीं, मैंने तो होश भी नहीं संभाला था, इसलिए कुछ याद ही नहीं है। अच्छा तो मियाँ जी से नहीं पूछा अपने वालिद के बारे में? पूछा है, बहुत बार पूछा है, मगर इस जिक्र उनके लिए ना जरा सैड हो जाता है, इससे ज्यादा बात ही नहीं करते। इधर आए हुए सारे? अम्मा जी आए आए बैठे, देखिए मौसम कितना अच्छा हो रहा है। हाँ, इसीलिए मैं भी लान में आ गई हूँ। अच्छा किया। हाँ अम्मा जी, वो चची पूछ रही थी कि मैं कितने साल की थी जब बाबा की डेथ हो गई थी, आपको तो याद होगा ना कितनी बड़ी थी मैं। ओ पुत्री, जो गुजर गया सो गुजर गया, हुन तू मियाँ जी दी बेटी है, हैं? ते बड़ी मेहनत कीती है मेरे भरा ने तेरे ऊपर, हाँ कोई कसर नहीं छड़ी, अब तूने भी ना उसका सर फखर से उच्चा रखना है। बेशक बेशक, वैसे वालिद करते क्या थे रानिया के? बहुत पढ़ा लिखा सजीला जवान था, अच्छा खाता अच्छा कमाता था वो। है? ये तो मुझे कभी किसी ने बताया ही नहीं, क्या पढ़ा हुआ था बाबा ने? अच्छा परे, क्या पुरानी बातों में लग गए हो तुम लोग, मैं तो कहने आई थी कि भाई जरा समन का भी ख्याल करो,
उकली बैठी रहती है, मायूस हो जाती है, उसके नाल गपशप करो, हल्ला गुल्ला करो, कोई उसका ध्यान बटाओ अपनी बातों के नाल। अम्मा जी क्या ध्यान बटाए, हमारे अपने ही मसले मसाइल चल रहे। मेरी माँ ने तो भेज दे उसको, छोड़ दे अपनी शर्तें, ज्यादा देर हो गया, नुकसान हमारा होना है। तेरा मतलब है कि मैं रईसों की औलाद है ते उस नवे दौलतिये दे आगे हार मान लिया, अपनी शर्तें वापस ले लूं ते समन नु वापस ससुराल भेज दिया। अम्मा जी मेरी तो मामूली सी अपनी राय थी, करना आपने वही है जो आप बेहतर समझे। बस आपको ये बता दूं कि वो न दौलतिया अब हमसे ज्यादा दौलतमंद हो गया है। कल सुन, असि जो पुराने रईस हैं ना, ये हम इन बातों से मरूब नहीं होते। छड़ परे कंजूस मक्खी चूस ना होए ते। ये तो मुझे आज पता चला कि मेरे बाबा बहुत पढ़े लिखे इंसान थे। कमाल, मुझे किसी ने कभी ये सब बताया ही नहीं। मैं इतने काबिल इंसान की बेटी हूँ, मुझे अपने बाबा के बारे में सब इल्म होना चाहिए। अब के घर जाऊंगी ना तो मियां जैसे उनके बारे में सारे सवाल करूंगी, सारी बातें पूछूंगी, वो कैसे थे, मेरे बारे में क्या सोचते थे, मुझसे तो बहुत प्यार करते होंगे ना। काश काश वो आज जिंदा होते। तेरे आने से हो याने बहार, दिल नची जावे धक धक के।